आज हम बनाएंगे रबड़ी जो घर के दूध से बनाएंगे। नमस्कार, अंजलि की रसोई में स्वागत है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रबड़ी बनकर तैयार हुआ है। बाज़ार से भी बहुत अच्छा रबड़ी बनकर तैयार हुआ है। आप भी घर पर इसी तरह से बना सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए 1.5 लीटर दूध ले लिए हैं। दूध को अच्छी तरह से छान लेंगे, घर का दूध है, और बराबर उसको चलाते रहेंगे। और भारी तले का कढ़ाई ले लेंगे। इधर ड्राई फ्रूट, दूध मेरा गर्म हो रहा है, इधर ड्राई फ्रूट को घिसकर तैयार कर ले रहे हैं। ड्राई फ्रूट में हम पिस्ता बादाम ले लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो ले सकते हैं। पिस्ता बादाम को घिसकर तैयार कर लिए हैं हम। और दूध को इधर बराबर चलाते रहेंगे। और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। रबड़ी बनाने में तो समय लगता ही है, लेकिन बनकर जब तैयार होता है तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये रबड़ी घर में सबको पसंद होता है, खासकर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप घर पर बना रहे हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, या चीनी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, लेकिन बन तो बहुत आसानी से जाता है और घर के सामग्री से बन जाता है। आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस बनाते समय ध्यान रखना है कढ़ाई के तले से बराबर चलाते हुए पकाएं, और साइड साइड में जो मलाई लगी है उसको हटाते हुए दूध को गाढ़ा करना है। दूध मेरा धीरे धीरे गाढ़ा हो चुका है। आप मेरे वीडियो को फुल देखिए, वीडियो को मेरी अच्छी तरह से देखिए। और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए। और जो पीछे वीडियो हम बनाए हैं उसको भी फुल देखिए। आप देख रहे हैं दूध मेरा गाढ़ा होते जा रहा है।
आप घर पे बनाएंगे रबड़ी तो बाज़ार से भी बहुत अच्छा बनेगा। और कम सामग्री में भी ये रबड़ी बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। बस दूध चाहिए इसके लिए, 1 से 1.5 लीटर दूध ले लीजिए। 3-4 लोगों के लिए रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं रबड़ी मेरा बनकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं अभी दूध मेरा अब इसको बनाने में गाढ़ा हो गया है। 30 से 45 मिनट तक लग गया, आधा से भी कम बचा है। बनाने में इसे समय लगता है, इसे मीडियम फ्लेम पर, लेकिन बनकर तैयार होता है। पकाते रहेंगे बहुत ही टेस्टी, हाई फ्लेम रखेंगे तो जल जाएगा। और घर के सामानों से ये बन जाता है। आप देख रहे हैं रबड़ी में कोई फूड कलर भी नहीं डाले हैं। धीरे धीरे दूध गाढ़ा होता और जा रहा है। कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है रबड़ी। लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। अब इसमें ध्यान रखना है, आप अपनी इच्छा अनुसार लगातार चलाते हुए इसे पकाएं। साइड साइड से चलाते हुए अब रबड़ी मेरा बनकर तैयार हो गया है। उसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। ये दूध गाढ़ा करने से मीठा हो जाता है, आप चीनी कम भी डालेंगे तो चलेगा। या अपनी इच्छा अनुसार आप चीनी को कम बेसी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं रबड़ी मेरा बनकर तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रबड़ी बनकर तैयार हुआ है। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। 1.5 लीटर दूध में 2 कटोरी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रबड़ी बना है। अब इसमें ऊपर से गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो ड्राई फ्रूट उसमें ना डालें, बच्चों और बुज़ुर्ग के लिए ड्राई फ्रूट ना डालें। आप इसे फ्रिज में रख के 8 दिन तक ऐसे ही खा सकते हैं। इस पर ऊपर से जो बादाम घिस कर रखे थे उससे गार्निश कर दे रहे हैं। इससे और मेरा रबड़ी और स्वादिष्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रबड़ी बनकर तैयार हुआ है। और इसे 1-2 घंटा ठंडा करके खाएं तो और गाढ़ा हो जाएगा। फ्रिज में आप इसे रख कर खा सकते हैं, गर्म करके भी
किसी मेहमान को सर्व कर सकते हैं या ठंडा भी दे सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं। धन्यवाद। वॉच माई वीडियो।